गाजियाबाद में अपनी पत्नी और तीन बच्चों को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे सुमित कुमार को पुलिस ने 72 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अब तक की जांच में पता चला है कि सुमित ने अपनी पत्नी और तीनों बच्चों की हत्या आर्थिक तंगी और नशे की लत के कारण की है और हत्या करने से पहले उसने अपनी पत्नी और बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाई थी। पुलिस ने उस मेडिकल स्टोर के संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है जहां से प्रतिबंधित दवाइयां सुमित खरीद कर लाया था। देखिए 20/21 की जो रात थी उसमें ये जघन्य मर्डर हुआ था जिसमें तीन बच्चे और उनकी माता चार लोगों की हत्या की गई थी। मुकदमा इसमें तत्काल इमीडिएट दर्ज किया गया था, बाय नेम FIR थी सुमित के अगेंस्ट में। तब से ही पुलिस जो है इसके तलाश में थी। बाद में हम लोगों को जब इसका लोकेशन जानकारी हुई कि कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में है तो लोकल पुलिस की हेल्प ली गई और इसको यहाँ से एक टीम भेजी गई है और टीम ने फिर उसको वहाँ जाकर के अरेस्ट किया है। लोकल कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करके ट्रांजिट रिमांड पर हम लोग उसको लेकर के आए हैं और अब ये लोकल यहाँ हमारा जो अपना ज्यूरिडिक्शनल कोर्ट होता है इसमें प्रोड्यूस किया जा रहा है। पूछताछ थोड़ी हुई है इससे, उसमें जो जानकारी मिली है उसमें ये इसने पूरी बात बताई है और उसी क्रम में जो आला कत्ल है जिस चाकू से इसने मर्डर करना स्वीकार किया है उसको भी बरामद किया गया है। इसने घटनाक्रम के जो घटनाक्रम इसने बताया है ये बता रहा है कि लगभग 2.5-3 महीने से ये जॉबलेस हो चुका था, फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, इस पर बच्चों का जो दो बच्चे थे छोटे उनके एडमिशन की फ़ीस भी नहीं इसके पास अरेंज हो पा रही थी, केवल एक बच्चे को पढ़ा पा रहा था। ऐसे में काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था और इसको लग रहा था कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो ऐसी लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस क्रम में इसने फिर प्लान कर लिया कि हम लोग फैमिली को ख़त्म करके मैं खुद भी ख़त्म हो जाऊँगा, लोकल जो वहाँ मेडिकल स्टोर है वहाँ से इसने साइनाइड भी खरीदा। बाद में इसे लगा कि साइनाइड से शायद पॉसिबल नहीं हो पाया तो फिर एक एट होम जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ से इसने एक चाकू का सेट खरीदा है। रात में ये फिर मारने के लिए जो नींद की गोलियाँ होती है वो कोल्ड ड्रिंक में मिला करके पूरे परिवार को देता है, बच्चों को की हत्या करता है, उसके बाद पत्नी की भी करता है। पत्नी थोड़ी नींद से खुल जाती है तो रेसिस्टेंस भी होता है जिस क्रम में इसके हाथ में चोट भी लगी है। हत्या करने के बाद फिर ये खुद अटेम्प्ट करना चाहता था परंतु उसे लगा कि साइनाइड शायद काम नहीं करेगा तो ये फिर चला जाता है, ट्रेन लेता है, ये ओला बुक करके ये न्यू दिल्ली स्टेशन से ट्रेन लेता है त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस। बीच रास्ते में ट्रेन में ही इसने एक कन्फेशनल वीडियो बनाया है और कन्फेशनल वीडियो को जो अपने भाई और अपने ब्रदर इन लॉ इनको भेजता है और इसका ये कहना है कि उसी बीच हमने ट्रेन में बाथरूम में जा करके अटेम्प्ट भी किया साइनाइड से खुद को सुसाइड करने का, बट वो चूंकि सही नहीं था इस कारण से इसकी जान बच गई और उसके बाद ये फिर हिम्मत नहीं दिखा पाया कि खुद को फिर से दोबारा कोई और तरीके से अटेम्प्ट ले और इसी बीच फिर ये बीच में उडुपी स्टेशन पर उतर जाता है। फिर हम लोग को हमारी जो टीम लगी हुई थी वो फिर पहुंच करके लोकल पुलिस की हेल्प से इसको गिरफ्तार करके इसको यहाँ पर लाया गया है। आगे जो विधिक कार्रवाई है और जो भी सूक्ष्मता से हम लोग विवेचना करके इसकी गहन विवेचना करके जो भी फॉरेंसिक एविडेंस है चाहे वो कन्फेशनल वीडियो से लेकर के अन्य जो साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है ताकि विवेचना को सही लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाया जा सके। सर क्या ड्रग्स इन्वॉल्व है कहीं? इसका ये कहना है कि मैं कॉलेज के टाइम से ही ड्रग्स का आदि था और मेरे परिवार वालों को जानकारी भी हो गई थी तो उन्होंने आग्रह किया कि तुम छोड़ो इसे और ग्रेजुअली मैं छोड़ने की तरफ था तो अब मैं मात्रा काफ़ी कम कर दिया गया था और जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन इसका कहना है कि मैंने भांग का सेवन अवश्य किया था परंतु जो घटना मैंने किया वो ड्रग्स के नशे में उस समय होना ऐसा नहीं पाया जा रहा जो इसका कहना है। सर क्या ये आवेश में किया हुआ कत्ल था, इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी? इसका जो कहना है कि बेसिकली पिछले 3 महीने से जॉबलेस होने के कारण एक डिप्रेशन का स्टेज आ गया था, लग रहा था कि फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ और ऐसी फिर लाइफ से कोई फ़ायदा नहीं है तो ये बीच में इसने अपनी पत्नी को कहा कि हम मैं अब चोरी या कोई और गलत धंधे में उतरूंगा तब पैसे की व्यवस्था हो पाएगी तो पत्नी ने मना भी किया कि ऐसा काम नहीं करना है परंतु फिर ये जब देख रहा था कि बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर धीरे धीरे इसके दिमाग में ये बातें कई तरह के विचार आते गए और इसी बीच इसके मन में ऐसा बैठ गया कि ऐसी जीवन मतलब ऐसा जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है और फैमिली को भी ख़त्म कर लूँ और खुद भी ख़त्म कर लूँ, इस तरह का इसके दिमाग में धीरे धीरे प्लान आया और वो लास्ट के 2-3 स्टेज में इसने फिर एक्सिक्यूट कर दिया। सर चाकू की बात आ रही थी कि ऑनलाइन शायद चाकू खरीदा गया था या कोशिश की गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। कितने टाइम पहले इसका प्लान बना इसको खत्म करने का? ऐसा प्लान तो देखिए डिप्रेशन में था तो कई मतलब लास्ट के अगर बोल सकते हैं कि 1-1.5 सप्ताह से तो इस तरह के दिमाग में आने लगी थी बातें परंतु जिस दिन ये घटना किया उस दिन ऑल ऑफ सडन उसके पास पैसे आ गए, जो मेडिकल स्टोर है उसके कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हाथ में लग जाते हैं जिस कारण उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं तो उसको लगा कि आज मेरा अप्रोप्रिएट डे है, जो मैं चाह रहा हूँ वैसा हो रहा है तो आज का दिन मतलब उसको उपयुक्त लगा तो इस क्रम में उसने फिर इमीडिएट अगले 24 घंटे में ये प्लान कर लिया। और
फाइनेंशियल कंडीशंस इसकी वीक रही है, इसने एडमिट भी किया है, उसने कहा भी है कि मुझे अपने सास ससुर का काफ़ी सपोर्ट मिलता था, वो लोग भी पैसे से काफ़ी सपोर्ट करते थे, परंतु उनकी अपनी भी मजबूरियाँ थी, उनका अपना परिवार था, तो उनको उन्हें भी देखना था, तो जितना हो सकता था उन्हें सपोर्ट किया जाता था, परंतु फिर पिछले लास्ट 3 महीने से तो ऑलमोस्ट हालत इनकी और ख़राब हो चुकी थी, चूँकि ये जॉबलेस हो चुका था, तो ये बात तो इसने एडमिट किया कि फाइनेंशियल सपोर्ट सास ससुर से मिलता था, परंतु फिर भी जो है फैमिली नहीं, जमशेदपुर नहीं, ये जो है दोनों जो इनके पति पत्नी हैं, मूलतः ये लोग छपरा निवासी हैं, छपरा के हैं, मूलतः ये लोग छपरा के हैं और सेम कास्ट है, और इनके जो फादर हैं, ये लड़की के जो फादर हैं, ये कोरबा में जॉब करते थे, फिर जमशेदपुर में जो है लड़के के मतलब परिवार का ही सदस्य पहले इस लड़के के फादर शायद जॉब किए थे वहाँ, तो वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी होती है, उसमें उनको घर मिला हुआ है, तो कुछ उस तरह का मतलब जहाँ जहाँ जॉब किए फादर लड़की के लड़का के, तो उन जगहों से उस तरह से कनेक्शन रहा, बट मूलतः ये लोग छपरा के हैं, जो इनका जमीन पैतृक जमीन वगैरह थोड़ी बहुत है भी तो छपरा में ही है। नहीं, परिवार वालों को जस्ट इतनी लास्ट में जानकारी हो गई थी कि ये ड्रग्स का आदि है।